फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि आज मैंने जो कमीशन वर्क किया था, जो कि मेरा स्केच था, जो कि मुझे मिला था इंदौर से, मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि मैंने उसमें क्या क्या यूज किया है, क्या मैंने उसमें कौन से टूल्स यूज किए हैं, कौन सी पेंसिल यूज की है, कौन सी इरेजर यूज किया है। तो आज आपको इसी के बारे में समझाऊंगी। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने फैंस को भी शेयर कर देना और यार सपोर्ट करो। तो गाइस, ये मेरी पेंटिंग है जो मुझे कमीशन वर्क में मिली थी और ये मैंने बनाई है। तो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें यूज की है, क्या क्या चीज़ें मैंने कहाँ पर यूज की है, मैं आपको सब बताऊँगी। तो ये जो पेंटिंग है, ये मुझे इसका कमीशन वर्क मिला था इंदौर से। तो ये जो अभी मेरी कंप्लीट हो गई है और ये मैंने ना सीट पर ही बना ली है। इसके नीचे सीट है और फिर मैंने इसके ऊपर पेपर रख के इसको मास्किंग टेप से चारों तरफ से फिक्स करके फिर मैंने इसको बनाने स्टार्ट किया था। तो चलो स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज की है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, मैंने इसमें यूज़ किया है ये वाली इरेजर जो आपको नॉर्मली शॉप से मिल जाएगी, जो कि ये है अप्सरा की, ये वाली। ये अभी ये छोटी हो चुकी है काम कर करके, तो ये वाली मैं यूज़ कर लेती हूँ अप्सरा की। अच्छी है, थोड़ा बहुत काम कर ही लेती है। और मैंने इसमें यूज किया है ये पेंसिल, सिर्फ 15 रुपए की है यार। और ये मैकेनिकल पेंसिल है जो कि मैंने इसमें यूज की है। और ये इरेजर है, इसको भी मैंने इसी पेंटिंग में यूज किया है। और ये मेकअप ब्रश है जो कि मैंने इसको अपनी पेंटिंग में भी यूज किया है काफी। इनको मैं तो बहुत ज्यादा यूज कर लेती हूँ, अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। नॉर्मली ये 15-20 रुपए के होंगे। और ये मैं आर्ट लाइन की पेंसिल को यूज करती हूँ, उसमें काफ़ी अच्छी रहती है ये वाली पेंसिल। पेंसिल तो बहुत सारी आती है पर मैं इन्हीं से काम कर लेती हूँ। तो गाइस, ये है चारकोल पेंसिल जिसको मैंने अपनी इस पेंटिंग में यूज किया था हेयर्स के लिए। और नीचे उसका ये जो दुपट्टा था उसमें भी मैंने इसको यूज किया है। तो ये सॉफ्ट है, ये मैंने पहले से बाहर रख रखी थी। ये सॉफ्ट है, इसमें 3 मीडियम होते हैं, सॉफ्ट, देखो आपको दिख भी रहा होगा, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। सबसे ज्यादा मैं इसको ही यूज करती हूँ, इसका अलग से भी पैकेट आता है कुछ इस टाइप का, ये अलग पैकेट होता है सॉफ्ट में। और इनकी ना मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो ये मैंने पहले से ही खरीद के रखे थे, तो तब से ऐसे ही रखे हैं। यूज करती हूँ बट बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ इसका यूज। और ये इरेजर जो कि टोमोमोनो इरेजर है, इसमें भी इसका भी मैंने हेयर्स में यूज़ किया था, काफ़ी अच्छे इफेक्ट देती है ये टोमोमोनो जीरो इरेजर, काफ़ी अच्छे इफेक्ट देती है। और ये है, इसमें ना मैं पाउडर रख लेती हूँ जो भी, जैसे कि मैं पेंसिल को साफ करती हूँ ना, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तो मैं क्या करती हूँ जब साफ करती हूँ तो इसका जो पाउडर निकलता है तो मैं इस डिब्बी के अंदर रख लेती हूँ। और ये ना मुझे बहुत काम देती है ये वाला, इसमें जो अभी थोड़ा बहुत पाउडर रह गया है, तो ये ना मुझे अलग से चारकोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसी से काम कर लेती हूँ, काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी आता है इससे। और सबसे अच्छा मैं यूज़ करती हूँ अपनी जो स्केच है उसको स्मूथ करने के लिए, ये जो कि आप मेकअप में यूज करते होंगे, ये ना बहुत अच्छा इफेक्ट देती है मुझे। और आपने उसके चारों तरफ देखा होगा जो ब्लेंडिंग हो रखी थी ना,
तो मैं इससे ब्लेंडिंग कर लेती हूँ और ब्लेंडिंग करने में बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो जाता है इससे। तो गाइस अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ना इसमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया था और अलग से तो कुछ और यूज़ नहीं किया। सबसे ज़्यादा मैं इन्हीं चीज़ों का यूज करती हूँ, बाकी का मुझे और किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सामान इसमें पेंटिंग में यूज़ नहीं किया, जो भी मैंने यूज किया था वो सारा यही है। आप नॉर्मली इन सब चीज़ों से काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो, तो अगर आप भी ट्राई करके देखो आपकी भी पेंटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो अभी के लिए बाय बाय गाइज।